छोटे पर्दे पर आने वाला शो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आजकल कई मोड़ देखने को मिल रहे हैं, तो साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि शो को साथ में बड़ी खुशखबरी भी मिली है कि ये TRP में अभी भी अव्वल नंबर पर है। आपको बता दें दर्शकों को ये सीरियल ज्यादा पसंद आने लगा है और चाइल्ड एक्टर शौर्य शाह को ये रिश्ता क्या कहलाता है से बड़ी पहचान मिली थी। लोग इसे देखना काफ़ी पसंद करते थे, इस चाइल्ड एक्टर को लोग बेहद पसंद करते थे, लेकिन अब हाल ही में शो में आप एक चाइल्ड एक्टर को गायब होते देखेंगे। जी हाँ, दरअसल इस शो में शौर्य शाह ने कार्तिक नारे के बेटे कायरव का किरदार निभाया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्होंने ये शो छोड़ दिया था। ये रिश्ता शो में शौर्य की एक्टिंग को काफ़ी सराहना मिली थी। शौर्य के शो छोड़ने पर उनके फैंस काफी नाराज भी हुए थे, लेकिन अब शौर्य के फैंस के लिए खुशखबरी है। खबरों के अनुसार वे जल्द ही TV पर वापसी करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक शौर्य शाह को ये रिश्ता क्या कहलाता है शो छोड़ने के बाद अब एक नया TV सीरियल मिल गया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शौर्य अब स्टार प्लस के नए शो राजमहल में नजर आने वाले हैं। ये शो एक हॉरर ड्रामा शो होगा जिसके जरिए ये शो में नजर आने वाले हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से नाजिम की रिपोर्ट।